तब भी बड़ी बहू थी अभी भी बड़ी बहू है मतलब अब मिसिस कौशिक नहीं है अब मिसिस अग्रवाल की बहू है मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था ना गुण को मालूम था कि हम एक ही शो कर रहे हैं बीच का जो दस साल है वो तो गायब भी होगा। वहां वहाँ से शुरू किया और यहाँ पर फिर अलग शुरुआत है हमारी स्वागत है आप दोनों का थैंक यू नो आपको बहुत याद आ रहा तो कहना चाहेंगे आप दोनों जी अभी भी मतलब अब मिसिस कौशिक नहीं है अब मिसिस अग्रवाल की बहू है तब भी बड़ी बहू थी अभी भी बड़ी बहू है और सेम वैसे ही प्यार मिल रहा है जो पहले मिल रहा था इनफैक्ट विभा जी और मैं कभी कभी डिस्कस करते हैं कि बीच का जो 10 साल है वो तो गायब ही होगा गया वहाँ से शुरू किया और यहाँ पर फिर अलग शुरुआत है हमारी मुझे बिल्कुल नहीं मालूम था ना गुंड को मालूम था कि हम एक ही शो कर रहे हैं मैं लुक टेस्ट के लिए आई थी तैयार हो रही थी तो ये जा रही थी कॉरिडोर से वो दिखा मुड़ी और फिर उसके बाद कम से कम पाँच मिनट तक स्क्रीमिंग हुई है और इमोशनल यस yes, क्योंकि हम लोग दस सालों में एक दिन के लिए भी अलग नहीं रहे भले ही हम लोगों ने साथ नहीं काम किया उसके बाद सो ये इस शो की एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है बहुत ही बेहतरीन चीज़ है शी इज़ लाइक माई डॉटर तो तो बहुत मज़ा आने वाला है इस शो में भी आई एम वेरी फॉर्चुनेट अगेन आई एम हैप्पी कि विभाजी मेरे साथ हैं और खैर ये तो अभी पता चलेगा कितनी मस्ती खोर करती हैं पता चलेगा बाद में लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है <laughs> हाँ ये आदर्श बहू है ये वैल्यू समझती है अपने जॉइंट परिवार की लेकिन क्या होता है जब बहुत आदर्श बहू होती है तो उससे एक्सपेक्टेशंस भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो बहू के इमोशंस कोई नहीं समझता तो स्वरा के ऐसे इमोशंस हैं जो दबे हुए हैं और हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो बाहर कैसे निकलते हैं आ, कैसे उसे पेसीफाई मौली आके करते करेगी आ, जानकी की माँ कैसे उसे बढ़ावा देंगी या सपोर्ट करेंगी ये आने वाले टाइम में धीरे धीरे पता लग ही जाएगा स्वरा के लिए पता ही चल जाएंगे। और मुझे लगता है कि एक एक्टर होने के नाते अगर हमें कुछ अलग अलग जैसे मिसिस कौशिक में ठीक है वो पर्सनालिटी ऐसी थी वो सख्त थी वो परिवार के लिए थी जानकी भी परिवार के लिए है लेकिन स्थितियां बहुत अलग है बहुत अलग है भाषा बहुत अलग है जो लोगों के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत अलग है तो शायद यही इसकी यूनिकनेस है और स्वरा के साथ अभी तक तो कुछ ऐसा नहीं है कि अभी तक कुछ आया नहीं कि वो किस तरह का लेकिन जितना मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो स्वरा बहू है वो अ, मतलब वो फैसले ऐसे लेती है जो शायद नेगेटिव लग रहे हैं लेकिन हैं इस परिवार की भलाई के लिए ही उस परिवार के लिए आप ज़िए ज़िए। दो शो? हाँ, okay. <laughs> <laughs> नहीं आ, वही होता है की आप अभी कुछ और निभा रहे थे फिर आपको कुछ और कैरेक्टर मिल गया इमेज तोड़ना तो, तो, तो देखिए एक तो हमारा गेटअप बहुत कुछ कर देता है आ, अभी मैं बोल रही थी बंगाली पिछले शो में उसका जो गेटअप था वो एकदम अलग था यहाँ पर एकदम से मैं एक मध्य प्रदेश की उज्जैन की एक साधारण सी हाउसवाइफ हूँ इसमें आ, बहुत क्लास का अंतर है अपर क्लास मिडिल क्लास वो है उसके अलावा जो एक आ, जो सिचुएशंस हैं जो कहानी है मुझे लगता है वो बहुत अलग है वहाँ पर जो एक औरत घर संभाल रही है वो सब था अब यहाँ भी एक औरत है संभाल रही है लेकिन मुझे लगता है कि जो रिलेशनशिप है जो स्थितियाँ हैं वो बहुत अलग है और बहुत ही सादी हैं बहुत ही रानी महारानी की तरह नहीं है तो उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो लहजा है मेरा बात करने का कुछ अलग कर दूं, कुछ बॉडी लैंग्वेज बदल दूं, तो एज एन एक्टर मेरी ये तैयारी रहती है बाकी तो करते करते खोजते रहते हैं क्या नया करें क्या नया करें तो हाँ मैं बहुत लकी हूँ मैंने तो वही मैं बोल रही हूँ आपको मैं बता नहीं सकती हाउ फॉर्चुनेट आई एम क्योंकि मम्मी मतलब मम्मा ही बोलती हूँ मैं उनको क्योंकि एक तो दस साल पहले जो बॉन्ड था वो बरकरार रहा है आ, हम नॉर्मली ऐसे बोलते हैं कि या टेलीविजन में बस दोस्तियाँ टिकती नहीं हैं या भूल जाते हैं एक दूसरे को बट नहीं ऐसा नहीं है अगर आप किसी चीज़ को प्रायोरिटी कर दें और उसके लिए मेहनत करें तो वो टिकी भी रहती हैं हमारी तरह तो हम लोग बहुत बहुत किस्मत वाले हैं यही फॉर्चुनेट नहीं है मैं भी हूँ और वो मेरा बहुत ख्याल रखती है जैसे पहले रखा करती थी और अभी मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती मेरे खाने पीने मेडिसिन कुछ भी शी टेक केयर्स ऑफ मी एंड वी आर वेरी लकी कि हम इस शो में और हम चाहते हैं जैसे मिसिस कौशिक बहुत अच्छा शो चला ये शो भी बहुत और बढ़िया अच्छा चले हाँ देखिए स्मॉल टाउन्स में अगर आप देखेंगे ना तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा ना ऐसे शर्मा जी का घर अग्रवाल जी का घर फलान घर ये इस तरह से नाम होते हैं कभी कभी क्या होता है कि कुएँ वाला घर है ना और कभी कभी नीम के पेड़ वाला घर बरगद वाला घर बड़े गेट वाला घर ऐसे नाम पड़ जाते हैं अब उज्जैन में क्या है कि हमारे ये घर में बहुत मेहंदी लगी है वहाँ लोग हमारे घर से मेहंदी तोड़ के जाते हैं वो लगाते हैं त्योहारों पर अपने हाथों में और जो उसकी खुशबू है सबसे बड़ी चीज़ जो उसकी खुशबू है वो चारों तरफ फैलती है जो हमारे आसपास का मोहल्ला है तो इस चीज़ की बहुत इसलिए इसका नाम मेहंदी वाला घर पड़ा है ये, ये एक और किरदार है कैरेक्टर है हमारी जिंदगी के मैं रियल लाइफ में बताना चाह रहा हूँ कि खाना तैयार है माँ मेरी बीवी खाना खा लो ये मेरे बड़े बेटे हैं तो आपने देखा अभी जो देखा ये मतलब बहुत मज़ा आने वाला है आ, शो में भी और शो के बाहर भी